सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि खेत में गन्ना काट रही एक औरत ने मुझसे ये कहा था, और आज फिर मैं वो सवाल आपसे पूछूंगी। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं, आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं, आप वाकई थकते क्यों नहीं है? तो देखा दोस्तों, ये रूबिका लियाकत भाई पत्रकार होती तो इन्हें जरूर पता होता कि सवाल क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये पत्रकार नहीं है, ये पैर चाटकार हैं। गजब की चापलूसी चल रही है। इन्हें पूछना चाहिए था युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, किसानों की आय दुगुनी क्यों नहीं हुई, भ्रष्टाचारी सब भाजपा में क्यों शामिल हो गए। लेकिन लगता है 4 जून के बाद डीजल पेट्रोल के दाम और बढ़ने वाले हैं, इसीलिए ये सब मुद्दे अभी से गए हैं तेल लेने। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि मोदी थकते क्यों नहीं हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सवाल थक गया जवाब देते देते, लेकिन रूबिका लियाकत नहीं थकी पूछते पूछते, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं। और देश जानना चाहता है कि रूबिका को कैसे पता कि मोदी जी कभी नहीं थकते, और अगर जानती ही हैं तो इनको यह भी पूछना चाहिए मोदी जी से कि वो कौन सा टॉनिक लेते हैं, या फिर आम खाते होंगे हिमालय के मशरूम के साथ। और समझ में ये नहीं आता कि इन्होंने ये क्यों नहीं पूछा कि मोदी जी आप थूकते क्यों नहीं। आपको थूकना चाहिए क्योंकि सारी गोदी मीडिया चाटने के लिए तैयार बैठी है। और ये तो अच्छा हुआ कि मोदी जी से पूछा कि आप थकते क्यों नहीं, नहीं तो ये अपने बारे में भी बता सकती थी कि चापलूसी करते करते क्यों नहीं थकती, क्योंकि ये बीजेपी वालों के जूते चाटती रहती है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे अगर किसी ने किसी को बोल दिया कुछ तो लड़कियां सबसे पहले मेरे पास आती थी कि इसको पेलना है, इसको पीटना है। पीटा है आपने कभी? पीटा है एक बार तो लड़कियों ने, हमारे गली में किसी लड़की को छिड़ा बिड़ा था, हाँ। उसको पेल रही थी, उसके दो दोस्त देख रहे थे, मेरी माँ को नहीं पता था कि मैं मारपीट कर। तो सुना भैया, नशा कोई भी हो, सत्ता का, धनबल का, शक्ति का या द्रव का, इंसान को उसके स्तर पर ले ही आता है। पद भले भी कितना ऊंचा हो लेकिन संस्कारों का घटियापन नहीं जाता है। और ऐसे ही गुण होना चाहिए लड़कों को पेलने के लिए, तभी भाजपा में पद की प्राप्ति होती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पेलने शब्द पर इतना जोर लगा के क्यों बोल रही हैं? वो भी बार बार बोल रही हैं। लगता है स्मृति ईरानी को पेलने से बहुत ज्यादा लगाव है। बताइए, इतनी महान हस्ती को किसी ने मणिपुर या जंतर मंतर के बारे में नहीं बताया इनसे। काश ऐसा ही कुछ ये मणिपुर के गुंडों के साथ कर पाती, जिसने पहलवान बेटियों को सड़कों पर घसीटा उनके साथ कुछ कर पाती। सही पकड़े हैं। और लगता है इनको पेलने और पहलवाने में महारत हासिल है, तभी तो ये महंगाई के लिए अब सिलेंडर लेकर सड़क पर नहीं बैठती हैं। और जिसकी इच्छा अधूरी रहती है तो उसके मुंह से ऐसी ही बातें निकलती है। यही है इनका काम धाम, ऐसे ही चुनाव के बाद ये तोड़ेंगी आम, जाकर बेचेंगी बाजार में, तभी चलेगा इनका खर्चा। और कहीं जनता ने पेल दिया होगा तो जमानत जब्त हो जाएगा जो भरी है पर्चा।